हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल प्लस फैमिली में आपका स्वागत है। मैं अंकित विश्वकर्मा आपका अपने तरफ स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी टीचर्स डे। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो पावरग्रिड अप्रेंटिसशिप में पावरग्रिड ने एक और रीजन से लिस्ट निकाल दिया है। ये लिस्ट जो है NR1 मतलब नॉर्थन रीजन 1 से निकला है। इस नॉर्थन रीजन 1 में बहुत सारे स्टेट है, लेकिन इसने केवल अभी ओनली जो है वो दिल्ली स्टेट वालों के लिए निकाला है। दिल्ली स्टेट से भरा था उन लोगों के लिए बस अभी कट ऑफ आया, बाकी स्टेट का भी आना बाकी है, तो वेट करिएगा, जल्दी ही आएगा। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि डॉक्यूमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट जो भी आपको लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट का एक वीडियो मैंने आपके लिए पहले बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन होता है और ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार से आता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट ऑफ, जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उस कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली स्टेट की अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं, यूआर वाले हैं उनका गया है 77.41, एससी का गया है 73.41, और फिर इसमें अगर हम बात करें दिल्ली ग्रेजुएट सिविल का अगर बात करें तो 86% गया है, और इसका गया एसटी का 72.98% गया हुआ है। सॉरी, इसमें ओनली यूआर वर्सेस सिविल का, बाकी अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एसटी का 72.98 और यूआर का 70.27 गया है। डिप्लोमा अगर की बात करें सिविल की तो यूआर का गया है 77.41, और अगर हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें तो यूआर का 89 गया हुआ है, एससी का गया हुआ है 86.43 और ओबीसी एनसीएल का गया 83.79। ये परसेंटेज आपका गया हुआ है कट ऑफ लिस्ट। अब जो बाकी स्टेट का है, बहुत ही जल्दी एक दो दिन में ये भी लिस्ट निकाल देगा। इसने डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कहाँ बुलाया है, देखिए इसमें ईमेल आपके पास सेंड किया होगा, ईमेल भी आता है, एक ईमेल में डॉक्यूमेंट दिया रहता है, तो आप डॉक्यूमेंट की वीडियो ध्यान से देखिए। किसी प्रकार की देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो इन लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, सारे का अगर सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ लोगों को लेगा, कुछ लोगों को बाहर कर देगा, नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट में आप कोई प्रकार की गलती नहीं करते हो, आप पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो, तो आपका जो लिस्ट में नाम आया प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट में कमी करते हो या डॉक्यूमेंटेशन में गलत पाए जाते हो, तो फिर आपका यहाँ पर रिजेक्शन होगा। बाकी की कंडीशन में अगर कहे तो जितने लोगों का यहाँ पर नाम दिया है, जितने कैंडिडेट का अगर यहाँ पर लिस्ट में नाम दिया हुआ है, सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, बस आपका डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से हो जाना चाहिए। इसलिए डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये जो लिस्ट हमारे पास जो है पावरग्रिड की, हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपको ये उपलब्ध है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। सारे इलेक्ट्रिशियन वाले देखो, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के जो कैंडिडेट के नाम दिया हुआ है, उसका सिविल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इस प्रकार से पूरे कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। डेट ऑफ वेरिफिकेशन दिया हुआ है 9/9/2022, मतलब इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया है वेरिफिकेशन के लिए, 9/9 मतलब आज से 4-5 दिन बाद ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है इसने, और ये अभी ओनली दिल्ली वालों के लिए आया है, बाकी रीजन का भी आना बाकी है, तो ये आप वेट करिएगा, बहुत ही जल्दी ये सब आ जाएगा, ठीक है। और सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है इसमें, और यहाँ पे डेट दिया हुआ, डेट ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट 9/9/2022 फ्राइडे 10 बजे आपको जाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड B9, ये आपको जाना है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही आपका वेरिफिकेशन होगा, तो आप यहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी डाउट है, आप हमारे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल दिया हुआ है, और वैसे तो मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं पावरग्रिड के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।